गुड मॉर्निंग समशेरा, गुड मॉर्निंग सम्राट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। सम्राट समशेरा कितने मज़े से सो रहे थे और अब मैंने उन्हें उठाया है। 8 बज चुके हैं, आज हम लेट उठे हैं 8 बजे क्योंकि अभी हम बीच में 4 बजे भी उठे थे। 4 बजे उठ के मैं इन दोनों को बाहर लेके जा चुकी थी, फिर बारिश हो रही थी तो मैं जाके और सो गई और अब इन दोनों को उठाया है और मैं भी उठी हूँ। गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग। ओले ओले ओले, बैठो चलो बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो। ये देखो गाइस, ये आते एक दूसरे के सर पे चढ़ते हैं। मैं किसे प्यार करूँ पहले, किसे? दोनों को करने दो, फिर दोनों को कर रही हूँ बेटा, दोनों को पाली कर रही हूँ। एक ही हाथ है, एक हाथ से तो फोन पकड़ा है ना, एक ही हाथ है तो एक एक करके पाली करने दो। एक पहले छमलातू को, फिर एक छमछेलू को। ओले मतलब जिद्दी हो गया, कहते तो उसको मत प्यार कर। देखो मेरा हाथ ही पकड़ लिया इसने पूरा, है ना। अच्छे से बैठो, चलो अच्छे से बैठो। गुड बॉय है ना, गुड बॉय है ना सम्राटू मेरा। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का दिन। अब सबसे पहले इन दोनों को लेके जाती हूँ मैं बाहर। ओ मम्मा को पाली चुभे चुभे, गुड बॉय। अब मैं इन दोनों को सबसे पहले बाहर लेके जाती हूँ और फिर उसके बाद आने के बाद मैं चाय पीऊँगी और इनको दूंगी खाने के लिए खाना। इससे पहले मैं अच्छे से गुड मॉर्निंग कर रही थी इन बच्चों से, तब तक मुझे पता नहीं था कि घर में कांड हो चुका है। मेरा चश्मा पड़ा हुआ मिला था मुझे ज़मीन पे, दोनों लेंस बाहर थे, एक मैंने फ़िक्स कर दिया है, दूसरा फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ और अब इसमें पता नहीं कितने स्क्रैचेस आए होंगे। इसने क्या हाल कर दिया होगा इसका, ये इतना दुष्ट है ना, मैं क्या बताऊँ इस लड़के का। बाहर हो गई है बारिश और आज समशेरा जब भी बारिश होती है, आप लोगों को पता है कि वो बालकनी में बैठ जाता है, तो बालकनी में बैठ गया था। बालकनी में रखा था सर्फ का पैकेट, क्योंकि बालकनी में ही मेरी वॉशिंग मशीन है, तो वहीं पे सर्फ का पैकेट रखा था और उसने सर्फ के पैकेट में गलती से मुंह लगा लिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा सर्फ उसके मुंह में चला गया। उसके बाद से वो मतलब उसे 2 घंटे हो गए हैं, कभी वो वॉमिट करने का सा कर रहा है, कभी कुछ। मैं उसको पानी पिला रही हूँ, दही पिला रही हूँ, अभी आप उसका मुंह देख सकते हो, वो अजीब तरीके का बिहेव कर रहा है। मुझे डर लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैंने जितना ज़्यादा पानी हो सकता है उसको पानी पिला दिया है। तो कपड़ों के ऊपर बैठने क्यों आ गया भाई? तो इसलिए मैं तब से व्लॉग भी नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं इसने, मुझे पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं इसने क्या खा लिया, क्या खा लिया। फिर उसके बाद मैंने बालकनी में चेक किया तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि इसके मुंह में चली जाए जिससे इसको इतनी प्रॉब्लम हो जाए। फिर मैं बालकनी में दोबारा से एक बार गई थी, मैंने जाके देखा कि ये फिर सर्फ के पैकेट में मुंह लगा रहा था। तब मुझे पता चला कि इसके मुंह में पक्का सर्फ चला गया है और तब से मतलब आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, 2.5 घंटा हो चुका है अब जाके ये नॉर्मल बैठा हुआ है। वरना इसने तब से कभी इधर मुँह रगड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वॉमिट कर रहा है, कभी वॉमिट आ नहीं रही थी बट वॉमिट करने का अजीब तरीके का। मुझे लगा अब तो गई मैं आज, और बाहर हो रही है बारिश, मैं इसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पाती, तो मुझे डर लग गया था। लेकिन अभी ठीक है, चलो इसने जान तो मेरी हलक में ला दी थी आज। और इन भाई साहब को देखो, अलग ही मस्ती सूझी पड़ी है। इधर मैं सामान, मेरा पूरा कपड़े वगैरह बिखरे हुए हैं और वो कपड़ों के ऊपर आके बैठ गया है भाई साहब, उसका अलग ही सीन है। अभी दिया है दोनों को दोपहर का खाना, सम्राट अपना फिनिश कर चुका है और अब समशेरा का खाना खाने के लिए वहाँ पे देखो आ चुका है। अगर तूने सम्राट समशेरा का खाना खाया तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी, और समशेरा की आदत कभी नहीं बदलेगी, उसके लिए उसके अपने बर्तन में ज़रूर खाना छोड़ता है, ज़रूर। उसके बर्तन में कुछ नहीं है तो भी जाके चेक कर रहा है, लेकिन समशेरा हमेशा अपने बर्तन में, इसके लिए थोड़ा सा खाना तो ज़रूर छोड़ता ही छोड़ता है, और इसीलिए ये हमेशा बर्तन के आसपास घूमता है, क्योंकि इसको भी पता है कि समशेरा मेरे लिए खाना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब पूरा बर्तन साफ किया जाएगा। चलो इस बहाने ये एक काम मेरा अच्छा कर देता है कि मुझे बर्तन धोना नहीं पड़ता। ए पूरा चाट उसको, जो नीचे गिरा है वो भी खा लेगा, शाबाश। दोपहर के लंच के बाद मैं इनको लेके आई हूँ बाहर। सुसु तो कर लिए, पॉटी शायद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज समशेरा ने भी पहले ही कर लिया है। वैसे ये हमेशा दोपहर के लंच के बाद पॉटी करता है, बट आज इसने पहले ही कर ली थी।
सुसु कर दो और, क्योंकि बारिश आने को हो रही है। मौसम मज़ेदार है, बारिश होने को हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश आ भी रही है। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, जल्दी कर लो, इसके बाद आ नहीं पाएंगे। सुसु कर लो और। सम्राट सुसु कर दे। वेरी गुड, शमशेर ने तो कर दिया। और हाँ, मुझे पता था ना, दो दो तीन तीन बार करोगे नहीं जब तक तुम लोग। अरे एक इधर चला गया, एक इधर, मैं बीच में फंस गई हूँ। क्यूटू बच्चा बेचारा, एक एक करके इसने बेड में टॉयज की लाइन लगा दी, एक एक करके लाता है, शमशेरा इससे ले लेता है। और ये देखो कैसे खेल रहा है। और यहाँ देखो, ये टॉयज की लाइन यहाँ पे लगाई हुई है इसने, और अब जाके एक और ले आया है। सम्राटू टॉय लेके आया मेरा बच्चा, कब से टॉयज ला ला के बेड में रख रहा है मेरा बेटा, आज तो क्या बात है भाई। आजकल ये इसने नया सीखा है गाइज, टॉयज लेके आता है बेड में रखता है। सुबह जब मैं उठती हूँ बेड से तो सारे टॉयज मुझे बेड पे मिलते हैं, सारे टॉयज मुझे इसके बेड पे मिलते हैं। यहाँ पे देखो दोनों भाई कैसे एक टॉय के साथ खेलने के लिए बैठे हुए हैं। समझे, तू कब से बच्चा बन गया, तू भी टॉयज के साथ, ये सम्राट वाली हरकतें तू भी सीख गया है ना अब। ये सारी सम्राट की हरकतें हैं, देखो ये देखो, काटा पीटी। सम्राट सोच रहा है मुझे क्यों नहीं दे रहा ये, मैं एक एक करके टॉयज लेके आ रहा हूँ और ये अपना खुद लेके बैठ जाता है सारे टॉयज। सम्राट ने छीन लिया उससे, अब काटा पीटी करेगा सम्राट। सम्राट द बॉस। सम्राट के आगे कोई जीत पाया है क्या? गाइस अभी आपको दिखाती हूँ मैं ये कितने टॉयज लेके आ चुका है। एक, दो, तीन, चार, और एक यहाँ पे पड़ा हुआ था बॉल, वो कहाँ चली गई बॉल, वो उसके ऊपर शायद शमशेरा बैठ गया। एक एक करके ये देख सकते हो आप, ये टॉयज का इसने जमावड़ा लगा दिया बेड पे। अभी जा रहा है टॉयज लेके आ रहा है, जा रहा है टॉयज लेके आ रहा है, बस यही करने में तब से। टेबल पे बैठ के वेट कर रहा है इसके लड़ने का। देखो उसने जैसे ही टॉय उठाया है वहां से टेबल पे कब से बैठा हुआ था ये, टेबल पे बैठ के देख रहा था कि जैसे ही वो टॉय उठाएगा तो मैं जाऊंगा उससे लड़ने। इतना बदमाश है ये, बताओ गुंडा साला। सम्राट तू बहुत गुंडागर्दी करने लग गया भाई। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इन दोनों को इस पोजीशन में, वो सामने बैठा हुआ है और ये यहाँ पे उसको देख रहा है। जैसी मैं बोली हूँ तो हिल गया, देखो अब आएगा। टेबल पे चढ़ के खेलने का इसका सिस्टम मुझे आज तक समझ नहीं आया। 100 बार मना कर चुकी हूँ, 100 बार समझा चुकी हूँ कि टेबल पे मत खेल, लेकिन उसको मानना ही नहीं होता है, वो टेबल पे ही खेलना चाहता है भाई, पता नहीं क्या ही है। देखो सम्राट, और एक तो इसने जो आजकल टॉयज की दुकान खोल ली है भाई, ये देखो अब सारे टॉय यहाँ पड़े होंगे, कभी बेड पे पड़े रहते हैं, मतलब दुकान लगा देता है जहाँ पे भी लगाएगा, सारे टॉयज इकट्ठे कर लेता है। सम्राट, ए सम्राट, तूने टॉयज की दुकान खोली है क्या? टॉयज की दुकान वॉक पे जब भी सुबह और शाम जाने की सोचती हूँ तो बाहर बारिश हो जाती है। अभी भी सोच रही थी कि शाम को थोड़ा वॉक पे लेके जाऊंगी, लेकिन बाहर हो रही है बारिश, अभी हो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:43, 5:43 हो रहे हैं, लेकिन बाहर बारिश हो रही है आधे घंटे से। तो देखो अगर बंद होती है तो थोड़ा सा बाहर लेके जाऊंगी दोनों को, और नहीं होती है तो फिर टॉय उधर चला गया, लड़ इधर रहे, अब दूसरा टॉय खेलने दो इनको। हल्की बारिश को दोनों बच्चे बालकनी में कर रहे हैं इंजॉय। अभी तो थोड़ा सा, अभी थोड़ी है, अभी इससे थोड़ी देर पहले तक और तेज थी, अभी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन दोनों को मज़ा आ रहा है बारिश में बालकनी में बैठ के। देखो बोलती हूँ तो बेइज्जती कराने अंदर आ जाते हैं दोनों। रात का खाना खाने के बाद ये देखो बोल रही पॉटी कर दे तो कर नहीं रहा शमशेरा। सम्राट ने तो कर ली, शमशेरा पॉटी कर दे। सम्राट तू कहाँ घुस जा रहे, मैं फंस गई हूँ बीच में। देखो शमशेरा पॉटी कर दे यार, पॉटी, चलो पॉटी कर दे, थोड़ी सी कर दे, कर दे कर दे, थोड़ी कर दे, वैसे कम ही करता है रात में, चल पॉटी कर दे, नहीं करनी, चले चले सीधे चलेंगे, चलो